सवाल के जवाब देता मैं रहेगा, तेरे हाथा काट के बाहर टांगू। जबान से बोल हाँ नहीं क्यों नहीं, जबान से बोल। जवाब देता नहीं देता मेरे, बोलता कि नहीं बोलता? बोलता। हाँ, कितने साल से परेशान कर रहा छुप रहे हो, कितने महीने से? क्या नाम है इसका? गनी मंडले। गनी क्या, गनी कब से परेशान? बोला ना, छोड़ता हूँ नहीं, पूरा जला दूंगा। हाँ जल्दी बोल, कितने महीने से परेशान कर रहा हूँ, कितने साल से? 3 साल से। हाँ 3 साल से। अच्छा, उसको मार देने का था क्या? कैसा मारने का था? बीमारी डाल के एक्सीडेंट करा के सुसाइड करा? चल, लगा जोर से, पूरी ताकत लगा। और जोर से, जगड़ लो उसको अंदर से तेजी के साथ, और आग लगाओ उसके अंदर से, और जोर से जबड़ा उसको। करो तुम्हारे पुतले के जैसा मट्ठ है, जगड़ा उसको तेजी के साथ। अब लू क्या, काट के करूँ क्या, दो टुकड़े टांगू क्या बाहर? झगड़ो उसको तेजी के साथ, उसे काट के झगड़ो उसको तेजी से। और जोर से, झगड़ा उसको और तेजी के साथ। क्या कर रहा था, उसका दिल पकड़ के मारने का था। झगड़ो उसको अंदर से और तेजी के साथ। आग लगाओ उसके अंदर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم فعت السماوات والأرض وبشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني أحد إلي في هذه الحياة الدنيا أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني الله نفسي فعينك تكلني الله نفسي تغربني إلا الشرق مخا وإني لا تجد الله رحمة الجد عندك أحد عندك أحد طبي الله يوم القيامة إنك لا تخش الدنيا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحابه أجمعين برحمته أرحم الراحمين. جلاو اسكي اندر اور تیز کے ساتھ آگ لگاؤ, उसके हाथ अभी काट के लेंगे, उसके झगड़ो उसको तेजी के साथ में। हाँ लगा, जोर से पूरी ताकत लगा। और जोर से,
Yeah! How's all safe? जकड़ो उस कुत्ते से एक साथ चल रहे सवाल के जवाब देता मेरे गए तेरे हाथा काट के बाहर टांगू जबान से बोल हाँ नहीं क्यों नहीं जबान से बोल जवाब देता नहीं देता मेरे बोलता क्या बोलता बोलता हाँ कितने साल से परेशान कर रहा छुप रहे हो कितने महीने से क्या नाम है इसका गनी मंडले गनी क्या गनी कब से परेशान कर रहा बोला ना छोड़ता हूँ पूरा जला दूंगा हाँ जल्दी बोल कितने महीने से परेशान कर रहा हूँ कितने साल से तीन साल से तीन साल से अच्छा उसको मार देने का था क्या कैसा मारने का था बीमारी डाल के एक्सीडेंट करा के सुसाइड करा के कैसा मारने का था कैसा मारने का था दो टुकड़ा कर दूंगा जल्दी बोल छोड़ता छोड़ो पहले मेरे सवाल का जवाब दे छोड़ता मारने का था कैसा मारने का था वो बोल जल्दी कैसा बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके सुसाइड करके बीमारी से मारने का था क्या बीमारी डाल लेने का था क्या बीमारी क्या डालो बोले छाती दुखाओ बोले थे उसकी जोर से बोल छाती अच्छा उसको जादू करे तो कई में मिला के खिलाए थे क्या कौन सा खाना था वो बिरयानी सालन चिकन क्या था पूरी भाजी पूरी भाजी अच्छा कितना टाइम हो टोटल खिला के जल्दी बोल पूरा जला दूंगा कितना टाइम हो रहा तीन साल अच्छा क्या दुश्मनी थी खेत की जमीन की घर की कई की नाम नहीं पूछा मैं अभी नाम नहीं पूछा कौन खिला है दोस्ताने के लोग रिश्तेदार ससुराल के माँ के खानदान के बाप के खानदान किधर के इसके ससुराल के एक दोस्ताने के माँ के बाप के किधर के गली में गली के अभी नाम नहीं पूछा मैं औरतें हैं अदमिया है वो तीन जने अदमिया है औरतें हैं औरतें एक औरत है दो अदमिया है अच्छा जादू करते टाइम इसका क्या लिखे थे गनी का क्या लिए थे कमीज कपड़ा कमीज कौन से कलर की थी वो जामुनी अच्छा और दूसरी बात तो अभी इसको फाइनल अमास में पूनम में कब मारने वाला था पूनम में बीमारी डाल के दिल की पूरा घुमा है पूरा क्या हाँ दिल की बीमारी डाल के पकड़ कर रखो उसको अच्छा और इसके घर में से किसको तू छोड़ता था और किस किस को मारने का था इसके घर में से जोर से बोल बड़ी छुरी को कैसा मारने का था बीमारी डाल के एक्सीडेंट करा के सुसाइड करा के कैसा झगड़ा उस बंदा आ रहा है कुत्ते के साथ कैसा मारने का था क्या बीमारी सुसाइड कैसा लगो मार तेजी से जल्दी बताओ कैसा मारने का था नजीक ला क्या हमारा बोल रहा हूँ हाँ कैसा मारने का था बीमारी बच्ची को भी अच्छा उसको अम्मास में पूनम में अच्छा और उसके अलावा घर में से बच्ची का क्या लेके थे जादू करने बच्ची का क्या लिए थे कौन से कलर के क्या था शर्ट था सलवार थी क्या था पूरा हाँ क्या था पूरा जल्दी बोल क्या था क्या था आसमानी कलर के कपड़े अच्छा बच्ची के और वो औरत ने चुराई क्या दो आदमियों ने औरत ने चलो ठीक है इसको बंद के डालो और इसके अंदर इसको दवा जो बच्ची को कहीं में दवा खिलाए थे कहीं में खिलाए थे जोर से बोल जाम कितना टाइम हो रहा लड़की को खिला के अच्छा उसको क्या तकलीफ दे रहा था वो जादू टोना उसके अंदर घुस के जल्दी टाइम नहीं मेरे पास पूरा जला दूंगा तुझे कहां से पकड़ के लाए इसके आंग में डाले शमशान से कब्रस्तान से कौन से गांव का शमशान था वो मरने से पहले तेरा नाम क्या था जल्दी बोलो पूरा जला दूंगा जल्दी बोल मरने से पहले क्या नाम था देखा क्या पूरा जला दूंगा सुनील
हाँ सुनील जोर से बोल सुनील। चलो इसको बन के डालो, कमी नहीं को इसको सब निकाल के छोड़ दे सर, इसको निकाल के जला के राख करने की तैयारी करो इसके अंदर से। हो जाए मुझे डालो इसको जंजीर और बन के लो उसको। ए कैमरा ले मैं तुम्हारा, ये जो मसला है इसको खुद ब खुद लगे वाला नहीं है, जो है तो वो लाकर छोड़े थे आंग में, उन्हें बोलना था उसके बाद उसके बच्चे को मार देने वाले और किस किस को मारने वाले, मैं तो मेरे जबान ही नहीं बोला, उस बला ने उस शे ने जो भी सामने हाजिर होकर बयान करी बातें, शमशान से उठा के लाए थे पूरी भाजी के, कोई सालन वालन में खिला के जादू करे एक्स वाई जेड जो भी बातें हैं तुम्हारे सामने है सब, और उसके बाद उसके बच्ची का भी नंबर है, और भी बहुत सारे घर के अंदर लोग आऊंगे और भी क्या क्या करे उन्होंने हरकत है सब आगे पूछूंगा नामों के साथ। मगर लोगो मैं तुम्हारे को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ये सब चीजों से तुमको बचना है तो पहले से इबादत करो, अगर तुम इबादत ही चल जाने की बात करने की कोशिश करेगी तो तुम पे तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं फिर तुमको इबादत के नजदीक जाने दो बलाएं, ये नहीं होता ऐसा नहीं है, होता हर चीज होती, हर चीज का उस्ताद रखा अल्लाह ने दुनिया में, कैसा नहीं है तुम्हारे पे नहीं चल रहा तो तुम कैसा बोलेंगे कि ठंडे छाव में बैठ के हमारे को दर्द नहीं होता, हम मानते थे नहीं बात, ऐसा रहता नहीं, शैतान रहता नहीं, जादू टोना रहता नहीं बेटे, जिस दिन लग गा और जिस दिन तुम्हारे घर में घुस गा तो फिर उस दिन तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होने पाओ, इसलिए पहले ही तुम्हारे घर में रहमत बरसते रहेंगी अल्लाह की तो वो चीज़ तुम्हारे घर में आ नहीं सकते, और वो चीज़ आ जाने के बाद तुम बोलिए हम रहमत बरसेंगे दुआ करके इबादत करके तो बहुत दूर की बातें नहीं आने देते तुम्हारे घर में और नहीं बरसने देते, इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से यही कहता कि पहले से इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इंसानों के लिए हथियार बना के उतारा अल्लाह ने लोगों, ये सब वजह से हथियार है दुआ, तुम लोग दुआ का टाइटल पढ़ते थे होंगे और दुआ की किताब के ऊपर लिखा है कि दुआ मोमिन का हथियार है, लेकिन तुमको ये समझ में नहीं आता था कि भाई मोमिन का हथियार दुआ, तो आज समझ में आया ना, ये बलाओं से ये वबाओं से ये सब चीजों से तुम्हारे बचाने के लिए अल्लाह ने सब चीजें दिया ले, तुम इबादत ये सब करेंगे तो सब महफूज रहेंगे, और ये जा बोल ले तो जाने वाले खिसम की बला और ये शय नहीं है। अरे क्या हुआ, उठाओ उसको पानी पिलाओ, और अभी फिर थोड़ी देर के बाद में फिर उसको अंदर खींच के लेती, वो जो अंदर अटके आई दवा है तो क्या नाम है अब्दुल गनी, पानी पियो। तो उसके छाती पे कुछ अटैक कर दी वो चीज उसके दिल के तरफ, और दिल के तरफ अटैक कर दी उसको खत्म करने वाली वो बला खुद बयान करी इसके अंदर बातें हैं सब रिकॉर्डिंग देख वो, इसलिए तो मैं तुमको कहता ना वो रहते वो अमलियात ऐसे रहते कि वो दिल लाते कुछ जानवर का, उसको क्या करते वो दिल के अंदर पढ़ के अमल करते, अमल करने के बाद उसके अंदर कुछ चीजें डालते तावीज़ें और भी कुछ चीजें, फिर उसके बाद उसको रिटर्न टाके मारते, फिर उसके बाद उसके अंदर सुइयों चुभोते, फिर वो अमल करते, फिर वो अमल को ले जाके शैतान के हवाले करते, फिर शैतान वहां से उठता और जाके फिर क्या बोलते तो सीधा हमला करता उसके ऊपर, शैतान जिन्नात चुड़ैल जिसको भी काम लगाना है, वैम्पायर पिम्पायर पिशाच वो सब अलग अलग रहते, जिसको काम लगा है उन्हें उस तरीके से जाके हमला करता, वैसे रहते ये राज ये सब मेरे को तो पता है, मगर ये सब चीज़ों का निचोड़ इन सब पे अल्लाह का जो कलाम है वो हुकूमत करता हर चीज़ के ऊपर, और अल्लाह हर चीज़ पे क़ादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो तुम उससे मांगो तो सही, तुम उसके दर पे जाओ तो सही, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तुम्हारा दूध नहीं पिलाती ना, और वो रहमान और रहीम है तो तुम्हारे को दुनिया में पैदा करा और तुम्हारे को क्या बोलते तो हर चीज़ की नियामतों से अता करा, तुम्हारे को नवाजा, और फिर भी तुम बुत परस्त क्या करते, फिर भी तुम उसके साथ में लोगों को शरीक करते, एक इंसान की मूरत बना देते, वो इंसान को पूछते अरे अखल के अंदो, फिर भी वो तुम पे रहमान और रहीम है, फिर भी तुम पे रहम करता हो, वो बोलता तू पूजा कर रहा कर, तू पत्थर को पूज रहा पूज, तू मट्टी को पूज रहा पूज, मगर मैं तेरे से आखिरत में हिसाब लूंगा उसका, मगर अभी तो तेरे से 70 माह की मोहब्बत करता ना, तो फिर तेरे को ऐसे वबाओं से बलाओं से महफूज रखेंगा ना, मगर तू उससे मांगेगा तो बंदे तू मांग तो सही उससे, और दुआएं कुरान हदीस ये सब पढ़ा करो लोगो, तुमको सूरह यासीन सूरह बकरा सूरह रहमान जो आता वो बजाओ, गौर से सुनो, तुम्हारे ऊपर की निगेटिव ताकतें भाग देंगी और तुम पे रहमत नाजिल होंगी, तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो तुम सिख ईसाई हो कोई भी जात के हो, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही सुनो, घर में बजाया करो, तुम पाक साफ करके घर के चार कोने झाड़ू मार के घर के अंदर सूर्य बकरा लगाओ, अगरबत्ती लगा के या कुछ खुशबू जलाकर, तो निगेटिव ताकतें भाग कर तुमको क्या बोलते तो रहमत नाजिल होंगी अल्लाह की, तुमको फैज मिलेगा, तुम्हारे परेशानियां दूर होंगे, तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे, तुम्हारे को क्या बोलते तो सारे आफतों से वबाओं से नजात मिलेंगी वो कलाम की बरकत से, और क्या पता अल्लाह आखिरत में तुमको फिर उसके बाद में दीन और दुनिया की दौलत से भी नवाज देगा, मालिक है वो रहमान और रहीम है उससे मांगो तो सही, तुम ऐसा हरकतें करेंगे एक दूसरे को जादू टोने करेंगे तो बचने तो वाले नहीं है, मेरे सामने आने के बाद मैं तो नाम पूछाने वाला हूँ, राज मालूम तुम्हारा को मलम जात के कैसे रहते जादू टोनों के, अब इसका मैं पलटा के जब पलटूंगा तो किसके ऊपर जाके गिरता जिसने करा,
जो जादूगर है, जो जादूगर के लोग साथ में जो लोग शामिल है सबको मार पड़ती है, क्योंकि वो वाजिब है वो मार पड़ना, क्योंकि इधर से पलटा के जब मारेंगे तो जाएगा कहाँ, फिर वो वार मार जाके गिरेगा ना। तो बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें हैं, तुम क्या बोलूँ भाई, जो ना मांगे सीखो दर दर मांगे भी, मैं इसलिए तुमको ये सब बातें बताता हूँ, अगर तुमको प्रैक्टिकल में बता तो कौन बताएंगे, इसलिए ऐसी जो चीज़ें हैं इस पर अमल करो। 3 साल से सता रहा उसको, उन्हें 3 साल से उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं बताए होंगे उसको, पहले तो दवाखाने लेके खेले होंगे, बाद में जहाँ दवाखाने कार करना काम, दवाखाना एक हद तक काम करता, बीमारी पे काम करेगा, रूहानियत पे दवाखाना कैसे काम करेगा, रूहानियत पे डॉक्टर को बताना पड़ेगा ना तुमको, रूहानी जो अमल बोलते, तो रूहानी क्या रहती, रूहानी पे जादू टोना चलता, जादू टोना इंसान के जिस्म पे नहीं चलता, रूहानी पे चलता, उसके असर जिस्म पे जाहिर होते, और रूहानी को ऐसी तकलीफ होती कि बेचैन कर देते। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें हैं, जितना इल्म के जानकार को मालूम रहेगा प्रैक्टिकल में, उतना दूसरे लोगों को थोड़ी पता रहता, और मुझ पर वाजिब है तुमको बताना, इसलिए मैं बताता लोगों, और मैं तुमको हल भी ये बता देता, साफ अल्फाज में हल बता देता, क्योंकि मैं रे अलावा तुम अगर किसी को पूछेंगे तो पूरी जिंदगी भी तुम क्या बोलते तो उसके सामने भटकने में डाल दिए, तो भी तुमको एक लफ्ज क्या बोलते तो रियल बात का नहीं मिल सकता इस मामलात में, जो मैं तुमको तजुर्बा देता, मैं प्रैक्टिकल में तजुर्बा देके आला, प्रैक्टिकल में दुनिया को बताता अल्लाह के हुक्म से। जो लोग बोलते थे ना काला जादू, काले जादू से कटता, ये तुम्हारे जहनों में शिर्क बातें बिठा दी वाली थी, काला जादू काले जादू से कटता, माज़ल्ला वो कुरान से, वो दम से, माज़ल्ला दम से उतारे अकल के अंदर, बताया ना मैंने पूरी दुनिया को कुरान का पावर क्या है, तो देखे ना समझ में आया ना, कोई काले जादू से नहीं कटता, लोहा लोहे से कटेगा मगर जादू जादू से नहीं कटता, ये बात जहन में बिठाओ। जादू, गंदे इल्म, सिफली इल्म, हर चीज सहर, हर चीज एक ही से कटती, वो अल्लाह का कलाम, क्योंकि जहां पर रोशनी है वहां से अंधेरा भागेगा ना, अंधेरा अंधेरे से भागेगा क्या, और गहरा अंधेरा हो जाएगा ना, अंधेरा में अंधेरा, जहां रोशनी आएंगी वहां अंधेरा भाग देगा, तो वो रोशनी, वो रहमत, वो अजमत, वो अल्लाह का कलाम है, वो कलाम इलाही है, पढ़ो, बहुत बड़ी चीज अल्लाह ने तुमको अता करा, किसी उम्मत को नहीं दिया था कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को ये सबको कुरान दिया जी तुम्हारे को, जो जीरे जितने लोग धरती पे आज उतने सबको, अब समझो अकल के अंदर उससे फायद हासिल करो, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहाँ से आए थे, कहाँ से, कितने बार हाजिर हुआ उसके आंग पे, घर पे 15 दिन को 4 दिन को 8 दिन को सवाल जवाब हुए क्या, खाली चीखा मारता था, इलाजों को बताए होंगे तुमने बहुत जगह, तो कहीं सवाल जवाब हुए क्या, 8 दिन रह के बुलडाने में, अच्छा सवाल जवाब हुए क्या कहीं, कन्नड़ में बात करने को बुलडाने में, अच्छा गाड़ी बात समझते करे सब करे, वहाँ से आया एक साल कुछ नहीं था, फिर बाद में और चालू हुई तकरीबन, खाली कुछ कह देते, अच्छा और दूसरी बात क्या बोलते, सवाल नामा कहीं से नहीं निकले, नहीं नहीं, और वो क्या होता है जरा किसका औरत का हाथ को लगा ना तकलीफ होती जाती, छोट नहीं चलती बोलती, वो तो करेंगे ना सब राइट कराते हैं सब लगभग, उसकी बेटी कौन है, उसकी अलावा क्या बोल रहे हैं, बच्ची को मारने का बोरा अंदर का, बच्ची कहाँ है उसकी, घर में, तो क्या बोल रहे हैं उनको, आओ लेकर छह बोलते हैं सर पेरा आओ लेकर उसके सो तकलीफ होती छोट चले, ऐसा बोलते हैं सब, एक हमारे वाली कर मार, ये बात जहन से निकाल दो लोगों कि पीर औलिया किसी के आंग में आ रहे, पीर औलिया किसी के आंग में नहीं आते, ये तुम्हारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा उल्लू बनाते, ये बातें बे इल्म वालों की बातें हैं, वैसी बात हो जा रही है, और जैसा अभी तुम्हारे जहन में डाले थे काला जादू से कटता शिर्क, औलिया किसी के आंग में आते गलत बात है, गलत हराम बात हो जा रही है, नहीं आते किसी के आंग में, उनकी रूहानी इतनी पाक रहती, और इबादत करता वो अल्लाह का वली, अल्लाह फरमाता हकीकतन मानू मैं को अल्लाह से डरता वो अल्लाह का वली, फिर बताओ अल्लाह का वली किसी के आंग में क्यों आएगा, वो अल्लाह का वली बोले तो औलिया अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त, और वो अपने रब और अपने ईश्वर में इतने खो गए वाले रहते, मैं तुझ में राजदा तू मुझ में राजदा मिट दे मिटा दिया ले, तो उनको जमीन ये दीवार ये आसमान कोई चीज उनको रोक नहीं सकती, उनको आना है तो सीधा आते सीधा जाते, ऐसा किसी के आंग में नहीं आते, वो जो आंग में आग बोलता ना मैं पीर हूँ मैं औलिया हूँ, तो समझ जाना वो उसके अंदर कोई शर पसंद जिन्नात बैठा हुआ है बदमाश, और वो झूठे बातें कर रहा, उसको लाओ मेरे सामने, उसको कैसा मारने लगा क्या धूल चटाने लगा था देखो मैं, और उसको पता चलता फिर बाद में तुम्हारे सामने बयान करता हूँ कि मैं जिन्नात हूँ मैं शैतान हूँ। इससे पहले पेशेंट को लेकर गए थे बहुत सारे जगह पर, उन्होंने बोल रहे सैलानी कहाँ बुल्ढाना में सैलानी बाबा में, वहां पर भी थे तो 1 साल के बाद फर्क हुआ, बट फिर उसके बाद हाजिर हुआ, बट सवाल जवाब उन्होंने कहीं नहीं करा और कहीं करता नहीं, क्योंकि उसको उसके हिसाब से पूछने वाला इंसान लगता उतने पावर का, कैसा यहाँ बयान करा यहाँ तोते का जैसा बयान करना पड़ता, कौन डाले कहाँ से आया क्या दास्तान में, बट नाम इसलिए भी नहीं पूछा, नाम आगे पूछूंगा,
क्योंकि पहले नाम पूछा दिए तो थोड़ा गर्मा गर्मी का मामला रहता और आपस में ना इत्तेफाक हो जाती, इसलिए थोड़ा आगे वक्त आने पर मामला ठंडा होने के बाद फिर भाई नामों की सब तफसील में सेकंड राउंड में पूछूंगा। और वो जो दाले वाली चीज़ है उसका दिल पकड़ रही थी अंदर, मुझे पढ़ रहा भी था तो इधर के हिस्से में ना आ सकती थी अंदर जो चीज़ है खिला हुआ थी तुम, और वो बहुत सारे राज रहते तुमको थोड़ी पता। अब जब अमल करेंगे तो अमल के दौरान में खुद ब खुद अल्लाह के फजल करम से उमेटिंग होंगी उसको, खुद ब खुद ऑटोमेटिक उल्टी नहीं तो ऑटोमेटिक जुलाब लग के दोनों में से एक होकर तो वह निकल जाएंगे बाहर और उसकी तकलीफों से उसको सब निजात मिलना चाहूंगी अल्लाह के फजल करम से। लोगो ये अल्लाह के कलाम की ताकत है और ये कलाम इलाही हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरा रब का फजल है तुम्हारे ऊपर, इसलिए उससे फायदा भी उठाओ। किताब इतनी बड़ी दिया जुजदानों में और महराबों में कपड़ों में लपट के सजा के रखने के लिए नहीं दिया अल्लाह ने तुम्हारे, वो पढ़ने के लिए दिया, पढ़ो और उस पर अमल करो। भले ही एक आयात तुम आगो आती तो आयात को 50 बार रटो दिन भर में से तो रटो तो तुमको महफूज रहेंगे सब चीज़ों से। और क्या बोलूँ मैं, बहुत सारे बातें बहुत सारे राज अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अल्लाह फरमा। यहाँ तो आ गए उनको भी यहाँ से तो मुकम्मल तौर पर फैज मिलेगा उनको अल्लाह के फजल करम से, सादातों के दर से कैसा नहीं अल्लाह फैज पहुँचाता पूरी दुनिया को, आज भी पहुँचा रहा ना। देखो शैतानों की पूजा करते लोग जादूगरा सब, उनकी जिंदगी भर की मेहनत रहता है, एक शैतान एक चुड़ैल एक जिन्नात एक मुंजा जो भी है, तो देखो उसको यहाँ चकना चूर कर देते मार गया। खुदा की कुदरत वैसी है और खुदा की कुदरत के सामने कोई शैतान नहीं जिन्नातों की हैसियत नहीं है, कलाम में लाएगी। चलो खैर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए सब। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। अंदर की बला नाचती ना बला को ताकत मिलती ना, गंदे अमल से करे आला है ना, ना। गंदे अमल से करे आला है तो गंदे अमल वाली को पावर मिलता है ना, उसकी बैटरी चार्ज होती है ना अंदर से। हाँ। गंदगी से गंदगी को चार्जिंग मिली है ना, अमल करो यहाँ से।